हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल्स न्यू इमित्र राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इमित्रा पे एक इमित्र धारकों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, वो भी एस सी एस टी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो हम बनाते हैं जाति प्रमाण पत्र वगैरह, उनके अंदर एक कुछ नया प्रावधान, नया नियम चेंज कर दिया गया है। उसमें क्या नया नियम चेंज लागू हुआ है और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, उम्मीद करूँगा जानकारी वीडियो दोस्तों पसंद आएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे दोस्तों गुजारिश करता हूँ कि आपको आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे ज्वाइन बटन के पास में सब्सक्राइब वाला बटन, इसको दबा देना और पास में बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा, वीडियो आप संपूर्ण देख पाएंगे। दोस्तों, मैं बता दूं कि अभी जो नया नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने, ये दोस्तों 25/3/2021 जारी किया गया। इसका संदर्भ है दोस्तों एस सी एस टी ओ बी सी ईडब्ल्यू एस के अंदर। दोस्तों, विषय इन्होंने बताया कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदन द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा अन्य दस्तावेज की ऑनलाइन स्कैनिंग कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त करने संबंधी, यानी कि जो अपन ऑनलाइन डेटा वगैरह अपलोड करते थे उनको यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। अभी ऑनलाइन डेटा ये वेरीफाई करेंगे, पहले क्या ऑफलाइन के जरिए होता था। राज्य सरकार के अधिकृत सूचना क्रमांक यहाँ पे इन्होंने बताया कि दिनांक 30/12/2010 के द्वारा राज्य में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाएं को नागरिक सेवा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से राज्य के कार्य ई मित्र केंद्र हुआ एकीकृत नागरिक सेवा केंद्र, यानी कि ई मित्र के द्वारा ये सेवा चल रही थी एवं जिले में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत स्थापित किए गए CSS केंद्र नागरिक सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल अक्षर से उक्त जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक कमजोर वर्ग यानी कि EWS को इनकम एंड असिस्टेंट सर्टिफिकेट जारी करने का अनुमानित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपरोक्त व्यवस्था जारी होने के सफल पूर्वक प्राय यह अनुभव किया गया कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज की संख्या अधिक हो जाती है जिनको आवेदन द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत करना होता है। यह जनसाधारण के लिए बहुत ही असहज होता है। ऑनलाइन व्यवस्था में इतने अधिक दस्तावेजों को जांच करना, उनका परीक्षण करना तथा हार्ड कॉपी संधारित करना, सक्षम डिलीवरी के अधिकारियों के लिए दस्तावेजों को जांच करना, उनका परीक्षण करना तथा हार्ड कॉपी संधारित करना सक्षम अधिकारी कार्यालयों के लिए अटिल जटिल हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि जो हार्ड कॉपी वगैरह है वो पहले अपलोड करते थे, अभी अपलोड करना आपको नहीं है, ओनली फॉर्म अपलोड होगा। वो किस तरह से फॉर्म अपलोड होगा इस वीडियो में वो भी मैं बताने वाला हूँ। वर्तमान में जाति प्रमाण पत्र यानी इनकम असिस्टेंस जारी करने की कठिनाई प्रक्रिया, जैसे कि सरलता के लिए अनुसूचित जाति जैसे एस सी एस टी की जनजाति, एस सी पिछड़ा वर्ग, ओबीसी निर्धारित जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक कमजोर, EWS संशोधन रूपये संशोधन तथा प्रारूप, यानी कि दोस्तों इनका जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र एनुलक्स ए जो अन्य पिछड़ा वर्ग के है और जाति ओबीसी के लिए एनुलक्स बी कर दिया गया, आर्थिक कमजोर वर्ग का EWS यानी एनुलक्स BN और 3BN रख दिया गया है। वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाले ऐसे समस्त दस्तावेज जिनके माध्यम से आवेदन को आवश्यक सूचना जानकारी प्रस्तुत करनी होती है तथा ऐसे समस्त सूचना जानकारी आवेदन संबंध सत्यापित करना आवश्यक है, यानी स्टेट रजिस्ट्रेशन डेटा है यानी कि जन आधार डेटा, राज्य वॉलेट, अदर अवेलेबल मेटरमेंट स्टेट डेटा रिस्पॉन्सिबल। दोस्तों, अभी ऑनलाइन आपका जो डेटा वो वेरीफाई होगा वो किस हिसाब से होगा, यानी कि स्टेट रजिस्ट्रेशन डेटा हब, जन आधार डेटा, राज ई वॉलेट। दोस्तों, आपका जो डेटा है वो जन आधार को आपको पूरा अपडेट करवाना पड़ेगा। आपके जो डेटा जन आधार द्वारा लिया जाएगा, जमाबंदी ये सब जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपके जो डेटा यहाँ पे लिए जाएंगे। ऐसे विशेष परिस्थितियों में जहाँ ऑनलाइन डाटा सूचना उपलब्ध नहीं होती है तो ऐसी सूचना जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ हार्ड कॉपी सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया पूरे राज्य में दिनांक 1/4/2021 से प्रभावी होगी। तो दोस्तों, इन्होंने बताया गया कि आपका जो यहाँ पे है वो जो ऑनलाइन की प्रोसेस 1/4/2021 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और आपका डेटा है जो जन आधार और राजस्थान की जितनी भी जो सेवाएं चलती रही जैसे जमाबंदी वगैरह हो गया इनसे आपका डेटा लिया जाएगा। उनसे अगर ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा तो आपका वो जाति वगैरह वो बन जाएगा, आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे मेन पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे जो पटवारी रिपोर्ट हम करवाते थे उसको भी हटा दिया गया, उसमें एक कंडीशन में हटाया गया। दोस्तों, अगर आपका डेटा ऑनलाइन वेरीफाई हो जाता है तो उसमें आपको पटवारी रिपोर्ट नहीं करवाना पड़ता, अगर ऑनलाइन वेरीफाई नहीं होता उसके बाद में आपको पटवारी रिपोर्ट यहाँ पे करवाना रहता है। तो अगले वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे कि आपको फॉर्म है वो किस तरह से दिखने वाला है और उनका क्या नाम है, उसमें क्या क्या चेंजिंग की गई है और कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कहाँ से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी एक जानकारी, उम्मीद करूंगा जानकारी वीडियो पसंद आएगा। जानकारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। दोस्तों, यहाँ पे हम ऑफलाइन फॉर्म आपको किस तरह से भरना है वो भी बताएंगे, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी प्रोसेस हम आपको यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।